मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में 27% आरक्षण की मांग को लेकर मध्य प्रदेश बंद का आह्वान ओबीसी ने शनिवार को किया था। इस कड़ी में शिवपुरी के बाजारों में ओबीसी महासभा के सदस्यों और पदाधिकारियों द्वारा बाजार बंद करवाया गया, जहां कई दुकानें खुली थी जिसको बंद करवा दिया गया। दुकान वालों को बाजार बंद करने का समय 4 बजे तक का दिया था। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की अनुमति दे चुका है। अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है कि ओबीसी को कितना आरक्षण दिया जाएगा। ओबीसी महासभा लगातार अपनी मांगों को लेकर बरकरार है। ओबीसी महासभा द्वारा निकाली गई रैली का नेतृत्व ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष गिरिराज सिंह द्वारा किया गया। रैली में महासभा के पदाधिकारी मौजूद रहे। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। आज ये किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है? सरकार ने आरक्षण खत्म करने का काम किया है। हमारा आरक्षण 27% हमसे छीन के हमको 14% दे दिया। गौरी मानसिकता के लोग, बीजेपी के लोग जिस प्रकार से ओबीसी का शोषण करने का काम कर रहे हैं, ये जनता ओबीसी वर्ग यहाँ भारत में निवास करने का काम करता है। हमारे वोट से आप राज करते हो, हमारा शोषण करने का काम किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।